हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची डायरी। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ इडली और सांभर। तो बस मैंने यहाँ पे इडली का जो बैटर बनाने के लिए लिया है, यहाँ पे 4 कप ये राइस और ये 1 कप मैं यहाँ पे लूँगी उड़द की दाल। बस आप इसको जो है पानी डाल के रख दो, ये 3 से 4 घंटे में भीग जाएगी। और बस मैंने जो है यहाँ पे जो है इसके उड़द की दाल में यहाँ पे एक या दो चम्मच के करीब जो है डाला है ये मेथी। तो बस आप उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए दोनों को, और फिर ये हम एक जार में पीसेंगे। ये जो हमारी दाल भीग चुकी है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, तो दाल को हमें एकदम स्मूथ पीसना है, इसको जो है दरदरी नहीं पीसना। तो ये बस पानी डाल के मैंने जो है इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। बस आप इसको एक थोड़ा सा बड़े बर्तन में जो है ट्रांसफ़र कर लो। और उसके बाद फिर मैंने लिया है ये जो चावल, तो चावल को जो है आप इसमें डालो और थोड़ा सा पानी डालो, और चावल का हम जो है पेस्ट बनाएंगे थोड़ा सा दरदरा। और मैंने यहाँ पे, अगर आपको डोसा वगैरह बनाना है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो पोहा का जो चूड़ा होता है वो लिया है थोड़ा सा, 1 या 2 मुट्ठी के करीब। तो बस चावल को जो है आपको जो है इस तरीके से आपको पीसना है थोड़ा सा दरदरा पेस्ट। तो बस मैंने जो है ये चावल और दाल का पेस्ट एक बड़े बर्तन में जो है ट्रांसफ़र कर लिया है अच्छे से। फिर जो है इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए अपने जो है हाथ की हेल्प से। तो बस इसके बाद जो है आप, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है क्योंकि इसमें जो है जो फर्मेंटेशन है वो अच्छे से जो है हो जाए और ये एकदम जो है इस इडली एकदम स्पंजी बने। तो बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और बस आप इसको 6 से 7 घंटे या 8 घंटे के लिए आराम से इसको छोड़ दो, तो इसमें जो है हमारा खमीर उठ जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए, ये पहले कितना खाली था और अब इसमें जो है खमीर उठ चुका है। तो ये देखिए एकदम जो है इसकी इडली बनेगी एकदम स्पॉन्जी, और ये इसमें अच्छे से जो है खमीर उठ चुका है। ये मैंने रखा था 5 से 6 घंटे के लिए क्योंकि गर्मी भी थी, तो थोड़ा सा जो है जल्दी हो गया इसका जो है फर्मेंटेशन। तो बस, और मैंने यहाँ पे एक तरफ तैयारी कर ली है सांभर की। तो बस सांभर में जो जो सब्जियाँ पड़ेंगी, मैंने जो है ली है एक छोटी सी लौकी 1/2 kg के करीब होगी, और ये 250 ग्राम तरोई, और एक यहाँ पे गाजर डालूंगी, और थोड़ा सा जो है कद्दू के जो है छोटे छोटे पीस करके। तो बस मैंने यहाँ पे जो है लौकी को कट कर लिया है छोटे छोटे पीस में, और ये पड़ गई हमारी तरोई। और जो आपको जो है सब्जी पसंद हो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो, ड्रम स्टिक यहाँ पे आप डाल सकते हो। कोई कोई यहाँ पे जो है बैंगन भी जो है डाल देता है, और ये भिंडी भी थोड़ी सी आप जो है डाल सकते हो। जो भी आपको सब्जी पसंद है आप वो ले सकते हो। तो बस मैंने यहाँ पे इन सब्जियों को एकदम छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, और बस जो है कट करके आप इनको रख दीजिए। और फिर सांभर बनाने के लिए जो है आपको लेना है कुकर। तो मैंने यहाँ पे जो है सांभर बनाने के लिए जो कप होता है, मेजरिंग कप जो होता है, तो जो 1/2 कप के करीब मैंने जो है यहाँ पे दाल ली है। तो बस ये मेरी हो गई सब्जियाँ सारी कट करके, और बस मैंने वॉश इनको पहले कर ली थी। और अगर आप यहाँ पे जो है गाजर डालना चाहो तो यहाँ पे आप जो है एक छोटी सी गाजर को ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने ले ली है अरहर की दाल, और ये 1/2 कप से थोड़ी सी कम है, और में ज़्यादा फिर दाल हो जाएगी। तो बस मैंने जो मेजरिंग कप होता है ना 1/2, तो उसका भी थोड़ा सा कम लिया है। तो बस उसे जो है आप अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दो। और जो मेजरिंग स्पून होता है ना 1 कप, तो उसका मैंने यहाँ पे पानी डाला है 3.5, कुल मिला के 3.5 कप। तो बस ये डाल दो, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है हल्दी, और नमक डाल दो 1 चम्मच, और जो हमने सारी सब्जियाँ कट करी थी वो जो है कट करके, और इसको जो है सीटी आने दो इसमें। तो बस ये आपकी 2-3 जो है सीटी में अच्छे से पक जाएगी। और फिर मैंने जो है इसका तड़का लगाने के लिए ली है यहाँ पे एक प्याज, आप बड़े साइज का जो है एक प्याज ले लो, और थोड़ी एक जो है आप मिर्ची यहाँ पे कट कर लो। तो बस ये हमारी जो है हो गया तड़का का मसाला। आप चाहो तो जो है कोई कोई तड़का पहले दे देता है। तो बस मैंने यहाँ पे फिर एक तरफ तैयारी कर दी है नारियल की चटनी के लिए। तो यहाँ पे डाली है थोड़ी सी नारियल, आप चाहो तो उसका छिलका हटा दो। और आपको डालना है धनिया पत्ता, करी पत्ता, और जो है 1 मिर्च, और थोड़ी सी अदरक, और 1 चम्मच नमक डाल दो आप। और यहाँ पे आप मूंगफली के दाना डाल दो फ्राई करके, और मैंने यहाँ पे जो है जो भुने हुए चने होते हैं वो डाले हैं। बस इसको अच्छे से आप पीस लो, और 1-2 चम्मच आप दही ऐड करना चाहो तो यहाँ पे दही डाल दो। तो बस ये हमारी जो है बन गई चटनी, इसकी नारियल की चटनी। और बस फिर मैं यहाँ पे 2 चटनी बनाऊंगी, तो तड़का मैं जो है दोनों को फिर साथ में दे दूंगी। तो बस एक तरफ मैंने यहाँ पे फिर चने दाल की चटनी बनाई है, तो उसके लिए ये मैंने यहाँ पे 1 या 2 मुट्ठी के करीब ये ले लिया है।
चना दाल, और उस पे एक ये थोड़ा सा मैंने खड़ा मिर्च डाल दिया, और जो है पड़ेगा थोड़ा सा, आप करी पत्ता डालना चाहो तो करी पत्ता डाल दो। तो बस इसको जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है फ्राई कर लो। अगर आपके पास भुने चने हो तो आप जो है वो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसका पेस्ट जो है एकदम स्मूथ बनता है। मैंने यहाँ पे चना दाल ले ली है, तो बस जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो बस आप इसको जो है इसमें जार में डाल दो, और इसमें से पड़ जाएगा तो वही थोड़ा सा नमक और जो है थोड़ा सा दही। तो इसको जो है दही अभी थोड़ा कम डालो, क्योंकि नहीं तो ये फिर अच्छे से कभी कभी पिसती नहीं है। तो ये फिर मैंने जो है पानी बाद में जो है और ऐड किया, नहीं तो एकदम पतली हो जाती है, तो ये अच्छे से स्मूथ पेस्ट नहीं बनता। तो बस ये पिस गई, फिर मैंने तड़का देने के लिए यहाँ पे ऑयल में ये राई का और जो है ये जो करी पत्ता होता है उसका तड़का दे दिया है। आप चाहो तो आप जो बड़ा वाला सरसों होता है ना, तो उसका जो है तड़का दे सकते हो। तो बस ये हो गई हमारी चटनी तैयार। बस फिर हमारा जो है सांभर जो है बॉईल होके, ये दाल और ये जो हमने सब्जी बॉईल करी थी वो तैयार हो गया। तो इसमें जो कुछ कुछ सब्जियां बड़ी बड़ी थी, मैंने जो है इसको इस मथाने के हेल्प से जो है थोड़ा थोड़ा जो है ग्राइंड कर दिया इस तरीके से। बस फिर उसके बाद मैं यहाँ पे तड़का देने के लिए, इसका सांभर का तड़का देने के लिए डाला है ऑयल। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, वही हमारा चला जाएगा राई और जो है थोड़ी सी करी पत्ता, और आप खड़ा मिर्च डालना चाहो तो डाल सकते हो, और प्याज। बस उसको अच्छे से जो है फ्राई कर लो, जब वो हल्की सी गोल्डन गोल्डन हो जाए। बस फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, धनिया, हल्दी पाउडर और जो है लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से ऐड कर लो। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा थोड़ा और ऐड कर लो। और बस इसके बाद मैंने यहाँ पे ये 2 चम्मच के करीब ये डाल दिया था सांभर मसाला जो होता है, और यहाँ पे ये डाला है मैंने जो इमली का पल्प होता है, वो जो सबसे छोटी कटोरी होती है ना, उसका जो है बस हाफ कटोरी मैंने डाली। अगर आपको सांभर में थोड़ा सा और खट्टा चाहिए तो आप जो थोड़ा सी जो इमली का पानी होता है वो और डाल सकते हो। बस उसको अच्छे से बॉईल कर लो, तो ये सांभर हमारा जो है बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको जो है सांभर थोड़ा सा और पतला चाहिए तो आप जो है पानी अपने हिसाब से यहाँ पे जो है डाल सकते हो, और अच्छे से बॉईल दे दो, तो बस सांभर हमारा बन के तैयार हो जाएगा। बस फिर जो हमारा अब हमको बनाना है इडली, तो इडली के लिए मैंने यहाँ पे जो है उसके बर्तन में जो है पानी डाल दिया, और फिर एक तरफ मैं यहाँ पे ये जो इसका मोल्ड होता है ये लूँगी। आप इसको जो है ऑयल से अच्छे से ग्रीसिंग कर लो, क्योंकि ये इडली हमारी अच्छे से निकल आएगी। और बस मैंने यहाँ पे नमक पहले ही डाल दिया था इसके बैटर में, तो अब मैं यहाँ पे नमक नहीं डालूंगी। फिर अगर आपने पहले नहीं डाला तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हो। और बस आप इनको जो है इसके सांचे में जो है इसका बैटर डाल दो। और मैंने जैसी पहले इसकी कंसिस्टेंसी थी, तो मैंने बाद में भी इसमें पानी ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो पानी अब इसमें जो है इसका बर्तन होता है बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जो नीचे वाला हमारा इडली का वो बर्तन है ना, फिर वो भीग जाएगा। आप ऐसे डालो कि वो ये जो हम लोग ये इडली का बैटर जिसमें डाल रहे हैं इसके सांचे में, उसमें जो है पानी भरे नहीं। और बस आप इसको जो है थोड़ा थोड़ा पहले से पानी को गर्म होने दो, और तब इसमें जो है ये जो है पूरा इडली वाला बैटर जिसमें हम लोगों ने डाला है, फिर ये जो है इसके सांचे जो है तब इसमें ट्रांसफ़र करो। और बस फिर ये मैंने 15 मिनट के बाद देखी थी, तो ये इडली एकदम बन के तैयार हो गई थी। आपको जो है मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है, तो ये देखो आप इसमें नाइफ़ की हेल्प से देखो, ये जो है इसमें एक भी लग के नहीं आ रहा है कि ये गीली है कि अभी पकी नहीं है। ये एकदम हमारी इडली जो है बन के तैयार हो गई है इस तरीके से। तो ये जब बनी थी तो इतनी स्पॉन्जी थी, ये देखो आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ये हमारी इडली एकदम अच्छी बनी है, और कहीं चिपक नहीं रही है, इसका बैटर इतना अच्छा बना था, और एकदम ये सॉफ्ट है, और तुरंत जो है इसके जो है सांचे से निकाल आ रही है इस तरीके से, जबकि मैंने जो है इसको अभी अभी निकाला है और ये तुरंत जो है निकाल आ रही है, ये इतनी सॉफ्ट और इतनी स्पॉन्जी बनी है। तो बस इस तरीके से आपको जो है ये इडली जो है बना लेनी है। तो बस मैंने इसको जो है कैसरोल में जो है शिफ्ट कर लिया है इस तरीके से, और बस बाद में अगर आपको चाहिए तो आप जो है दूसरा दूसरी बार जो है इसको इडली बनने के लिए रख दीजिए। तो ये देखिए इडली हमारी एकदम स्पॉन्जी बनी है, आप कहीं से भी जो है इसको जो है प्रेस करो तो एकदम जो है वैसी की वैसी है, बिल्कुल स्पॉन्जी। तो बस जैसे मैंने बताया है, बस आप जो है बैटर इस तरीके से प्रिपेयर करिए, और जब ये बैटर अच्छे से आपका बन जाएगा तो इडली भी आपकी जो है अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। और बस फिर इसके बाद मैंने जो है फिर ये थाली में जो है इडली और ये सांभर जो एक एक करके लगा दिया, तो बस ये तैयार हो गई हमारी थाली। एंड यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारा सांभर।
तो सांभर में अगर आपको थोड़ा सा रेड कलर और चाहिए तो आप जो कश्मीरी लाल मिर्च और डाल सकते हो। मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए थे तो मैंने बस छोटा चम्मच डाला है। तो अगर आप मिर्च डालोगे तो लाल कलर इसमें जो है आ जाएगा। बस ये हो गई हमारा सांभर, और एक खाने में ये चली गई हमारी नारियल की चटनी और ये चली गई हमारी चने दाल की चटनी। तो बस और यहाँ पे जो है रख दीजिए इडली। तो बस ये तैयार हो जाएगी हमारी इडली और सांभर की थाली। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप जैसे मैंने बताया है वैसे आप जो है इडली और सांभर बनाइए तो आपकी बिल्कुल ऐसे ही स्पॉन्जी जो है इडली बन के तैयार होगी और सांभर जो है एकदम अच्छे से बन जाएगा। तो बस फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।